मैंने अपने जीवन दोष का अनुभव किया है। ऐसा भारी बोझ है जिससे आप तंग हो चुके हैं और आप सीखना चाहेंगे कैसे उसकी दूसरी ओर जाकर रहें। खैर, मुझे भी मेरे जीवन में बहुत ही दोष की भयंकर समस्या तंग करती थी। आज मैं यहाँ खड़े होकर कहती हूँ कि उस लड़ाई में बहुत ही अभ्यास की जरूरत थी। मेरा उद्धार हो चुका है, पूरा उद्धार उस दोष और मेरी निंदा से। इसका यह मतलब नहीं कि मैं कुछ गलत करूं तो उस गलती पर नहीं पछताती। मैं कोई गलती करना नहीं चाहती, मुझे परमेश्वर का दिल दुखाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरी राय में फर्क है एक स्वस्थ पश्चाताप, जिसमें आपने परमेश्वर का दिल दुखाया, उसे मान लेना, परमेश्वर के जरिए उसकी बात करना, अपनी क्षमा पाकर आगे बढ़ते रहना, ये फर्क अलग तरह का है उससे जहां आपने बड़ा सा दोष बोझ लिया है जो आपको खींच कर आपके जीवन को दिन के बाद अगले दिन छीनता चला जाता है। इस सच की सुबह मैंने निष्ठा से प्रार्थना की है, क्योंकि मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहूंगी। उम्मीद है उससे आपकी मदद होगी, आपको अलग नजरिए से देखने में। मुझे यकीन है कि परमेश्वर की इच्छा के बारे में गलत सोचने से दोष होता है, खासकर पाप और उसके प्रायश्चित के बारे में। हमारी हर समस्या में हमारी सोच जुड़ी है। क्या आप जानते हैं, चीजों के बारे में हमारी सोच से ही हमारी हर समस्या जुड़ी होती है। इसलिए परमेश्वर के वचनों में हमें बार बार लगातार सिखाया जाता है वचनों पर ध्यान देना, क्योंकि परमेश्वर की सोच हमारी हो जाए तब हमारे जीवन में चीजें बदल जाएंगी। हमें सीखना है सही कैसे सोचे, और पाप के प्रति आपका खास रवैया होता है, और हमसे परमेश्वर की अपेक्षा का भी एक अलग रवैया होता है, और जब हमसे वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हमें तो बुरा लगेगा ही। खैर, परमेश्वर ने एक बार मुझसे कहा, जानती हो जॉयस, तुम सोचती हो मैं उससे भी आसानी से मिलने वाला हूं। अब यहां किसी ने मुझे सुना, परमेश्वर से मिल पाना बहुत आसान है, जितना आप सोचते हैं उससे भी बहुत ज्यादा आसान। परमेश्वर आपसे और आपके व्यवहार से जरा भी चकित नहीं होते, वो परेशान नहीं होते, वो उदास नहीं होते। ऐसा नहीं कि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं होती। जब उन्होंने संबंध बनाने के लिए आपको बुलाया तब वो आपके बारे में सब कुछ जानते थे, और वो प्रतिबद्ध है पूरी प्रक्रिया में आपके साथ काम करने के लिए, बस अगर आप हार न माने। और एक वजह है कि दोष की इस भारी गठरी को फेंकना आवश्यक है, खासकर हम जब गलत करें तब, वो भी इसलिए अगर आपने गठरी थामी आप में ऊर्जा नहीं बचेगी परमेश्वर की सेवा करना, सीखने और बढ़ने के लिए, जिससे कोई भला नहीं होने वाला। तो प्रभु, आज आपकी मदद के लिए प्रार्थना करती हूं। इसका प्रचार ऐसा कीजिए कि लोग इसे समझ जाएं। सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपको चाहिए होगा एक नया पता। आपको खेत के शहर से बाहर निकलना होगा, सीखना होगा कि कैसे परमेश्वर के राज्य में रहे। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, खेत शहर को छोड़ना। यह जरा सी लंबी है पर इससे कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने साल की समय यात्रा करने का नहीं सोचा था, पर फिर भी मैंने फौरन सामान बांधा। इस यात्रा में परेशानी तो होगी, मैं पहले से जानती थी इससे कोई भला नहीं होगा। अपनी सालाना दोष यात्रा की बात कर रही हूं यहां पर। वहां जाने के लिए काश ऐसा होता, एयरलाइंस की टिकट है, उड़ान बहुत कम समय की है। मैंने अपना सामान लिया, मैं उसे नहीं जांच पाई। मैं उसे उठाकर वहां पहुंचना चाहती थी। मुझ पर हजारों यादों का बोझ लदा हुआ था। खेद शहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद मेरा किसी ने स्वागत नहीं किया था। मैं कहूंगी अंतर्राष्ट्रीय क्योंकि पूरी दुनिया के लोग रहते हैं इस अंधेरे कस्बे में। जब मैं आखिरी मौका होटल पहुंची, मैंने ध्यान दिया कि वो इस साल की सबसे जरूरी घटना बनने वाली थी, वार्षिक करुणा पार्टी। खैर, मैं ये महान सामाजिक समारोह छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि अनेक अगुआ नागरिक वहां होंगे। पहले वहां पर चाहिए परिवार आए थे, जानते हैं कर लेना चाहिए,
हो जाना चाहिए और किया जाना चाहिए। फिर आए थे मेरे होते परिवार, बुजुर्ग काश मेरे होते और उनका कबीला। और फिर सच में मौके वाले भी वही होंगे, चूके होंगे मौके और खोए होंगे मौके। सबसे बड़ा परिवार था, सबसे बड़ा कबीला या वहां पर बीते हुए कल का, उनकी संख्या को गिनना ही मुश्किल था। हर एक के पास दुख भरी कहानी थी। फिर टूटे सपने वहां पर अपनी हाजिरी देंगे और सबकी गलती है अपने जीवन जीने के बहाने बनाए हुए लोग सब पर जोरदार तालियां बजाएंगे, मुझे दोष मत देना। आप समझ रहे हैं? खैर, इस लंबी कहानी को खत्म करने के लिए मैं इस निराश पार्टी में जान कर गई, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब यहां पर सलाह की जरूरत होगी। जानते हैं, आखिर जब खुद पर तरस दिखाना छोड़ा, आखिर जब समझ आया कि कुछ भला नहीं होगा और मेरी रोजाना की दोष यात्रा में मुझे ये समझने पर काफी मदद मिली कि ये सब के सब पूरे निरर्थक हैं। इससे मेरा व्यवहार बेहतर नहीं हुआ और तो और मैंने परमेश्वर का दिल तोड़ा और मैं बिगड़ने लगी। हमेशा की तरह मैं उदास रहने लगी, पर बीते हुए दिनों की असफलताओं के बारे में सोचने लगी। तब मुझे लगा कि ये सभी यात्राएं और करुणा पार्टी में जाना मुझे और सिर्फ मुझको ही रोकना होगा। यीशु ने हमारे लिए सब कुछ किया है, उन्हें हमारे विश्वास करने का इंतजार है। और आज परमेश्वर के वचन में मैं सबूत दिखाऊंगी, उन्होंने हमारे पापों को क्षमा नहीं किया बल्कि उन्होंने दोष को भी हटाया। यह हम पर है कि हमें उस पर विश्वास है या नहीं। हमें एहसास से जीना छोड़कर परमेश्वर के वचन को जीना होगा। मेरी समझ में आने लगा कि मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे निराश नहीं होना चाहिए। मेरे दिमाग में एक चीज चलती रही, मैं बीते कल को बदल नहीं सकती लेकिन आज अपने दिन को शानदार तो बना ही सकती हूं। शायद आपने कल कुछ गलत किया हो लेकिन अगर आज आपको मेरी बातों में बोध नहीं हो रहा हो तो आज आप इस सभा में अपने दोष की बोरी लाए हैं और अपनी कुर्सी के नीचे रखी है और मेरे प्रचार करने के वक्त आप इसे भुला चुके हैं, पर जैसे मैं यहां मौजूद हूं आप भी उसे उठाकर अपने घर ले जाएंगे। मैं चाहती हूं उसे फेंक दीजिए, मैं चाहती हूं आप खुश रहें, पूर्ण उत्साहित। मैं उत्साह बढ़ाऊंगी, मैं ये जानकर खेद नहीं जताऊंगी और कोई अगला पता भी नहीं दिया। गलती पर पछता रही हूं, हां, पर उन्हें सुधारने का तरीका नहीं है। तो अगर आप खेत के शहर की यात्रा की सोच रहे हैं तो अपना आरक्षण पहले से करवा लीजिए और एक नई जगह की यात्रा कीजिए, नई शुरुआत। मुझे इतनी पसंद आई कि मैं वहां स्थायी हो गई हूं। मेरे पड़ोसी हैं, खुद को क्षमादान और नए तरीके मेरी काफी मदद करते हैं। एक बात और, वहां भारी बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, आपके कंधों से बोझ उठा लिया गया है। इस नए कस्बे की खोज में परमेश्वर की आशीष है। अगर मिल जाए तो मुझसे जरूर मिलिएगा, मैं पास ही की एक गली में रहती हूं। दोष आप में सोच से घुसता है, भावना बनाता है जिससे हम जीने लगते हैं। हमारी भावना का हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर हम भावना से बढ़कर हैं, हम भावना से कहीं ज्यादा हैं। यह सच्चाई है कि आपको भावना आधारित निर्णय नहीं लेने चाहिए। अगर आप चतुर हो तो भावना पर यकीन नहीं करेंगे, आप ये भी कहेंगे परवाह नहीं कैसा लग रहा है, मैं तो बस इतना जानता हूं। जब आप परमेश्वर के वचन के सहारे जीने लगे, महसूस करने की बजाय जो जानते हैं अंदाजा लगाइए। वचन के समान आपकी भावना भी बदलने लगेगी। आखिरकार मैंने देखा दोष के जरिए कैसे शैतान ने मुझसे चुराया जो दोष असली नहीं था, क्योंकि मैंने पश्चाताप किया था, परमेश्वर से क्षमा मांगी और विश्वास किया। फिर भी मुझे हर बार दोषी महसूस कराता और जहां भी जाता अपनी पीठ पर वो बोझ बुरी तरह महसूस करता रहता। गलत न लगने पर अच्छा ही महसूस होता है। मैं यहां तक सोचने लगी कि पुराने कीड़े जैसा महसूस करना कुछ सही नहीं कर सकती। और कृपया प्रभु, हर सुबह जब प्रार्थना में प्रभु के साथ होती तो एक दो चीजों की चर्चा करती, धार्मिक है।
और मैं भी। और कृपया प्रभु, हर सुबह जब प्रार्थना में प्रभु के साथ होती तो एक दो चीजों की चर्चा करती, मेरी हर समस्या और मेरी सभी गलतियों की। ओ प्रभु मुझे माफ करना, ओ प्रभु मुझे माफ करना, ओ प्रभु मुझे माफ करना। प्रभु जानती हूं मैं मुसीबत में हूं, पर जानते हैं पवित्र पुस्तक ने कहा है कि पूछो और आनंद को बदलाओ में लाओ। मैं पूछती हूँ लेकिन पाने के लिए कभी रुकना नहीं चाहिए। और आपको उत्साहित करना चाहती हूँ आज मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों को कि एक पल के लिए रुक जाए और कहे, मैंने आपका क्षमा दान अभी पाया है, अभी अभी अभी। बस पूछिए मत, पर पूछिए और पाइए। क्यों? जिससे आप अगला कदम रखे आपका आनंद लबालब हो। एक सुबह नियमित दिनचर्या के समय याद है कि परमेश्वर ने बातें की और पूछा, आज सुबह दोस्तों की तरह बातें करूंगी या तुम्हारी समस्या और तुम्हारे पापों की? क्या आप अपने कामों के साथ बिताते हैं या फिर परमेश्वर के साथ? आप परमेश्वर के सही कामों की बजाय आप अपने किए गए गलत कामों के बारे में सोचकर समय बिताते हैं। पाप जब बढ़ता है, कृपा उससे कहीं ज्यादा बढ़ती है। अब हम चलेंगे रोमियो 6 पर, शुरू करेंगे वचन 2 से। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? तो उन्होंने ये नहीं कहा पाप मर गया, ओ कहने के पाप जिंदा है और पृथ्वी पर है, वो पूरे दिन तक आपके लिए चिल्लाता रहेगा। पाप के लिए हम मरे, तुम्हारा क्या मतलब है जॉयस? पाप के लिए हम मरे हैं मतलब यीशु में एक नई जाति की तरह आपका दिल नया होगा, एक नई चाह होगी, एक नया रवैया, और सच में कि आप नए हो जाएंगे परमेश्वर से भरे उस आत्मा से, आपसे जो पाप कराना नहीं चाहती। देखिए, मैं जानती हूँ कि हमें धीरे चलना होगा। अब आपने देखा कि जब मैंने वैसा कहा तो यकीन है कि आपने पहले से सोचा होगा कि खैर हाँ, वो तो पहले जैसा हो गया है। मैं दिखाना चाहूंगी कि आपको जैसे देखना चाहिए वैसे खुद को नहीं देख रहे, और पाप को भी सही तरीके से नहीं देख रहे हैं। क्या आपसे कुछ कहूं? पाप का हिसाब हो चुका है। पापी का हिसाब करने के लिए जो भी हमें चाहिए, जब भी वो आपका सिर उठाता है, हिसाब हो चुका है। पहली बात आपको जाननी चाहिए कि आप यीशु में एक नई जाति हैं, पुरानी चीजें बीत चुकी हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें मेरी आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें नया दिल डालूंगा, मैं तुमसे पत्थर भरा दिल निकाल लूंगा, उसमें देह का दिल दूंगा जो परमेश्वरीय स्पर्श के प्रति संवेदनशील होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके भीतर परमेश्वर रहता है, वहां पवित्र आत्मा रहती है। आपको पाप में गिरने का डर होना नहीं चाहिए, इससे नफरत है, मैं पाप में गिरा। हम पाप में नहीं गिरते, उसे चुनते हैं। कभी हम जो कर रहे हैं उसे समझने के लिए पहले से ही उसको चुनते हैं। जानते हैं आप में धीरज नहीं होता या मूड बिगड़ जाता है, और इन्हीं सब चीजों को मैं तो कहूंगी इसके बारे में बातें करने के लिए, देह के सभी पाप वो उस बदबूदार देह से अपना सिर उठाता रहता है, और हमें और परिपक्व होने की जरूरत है। पर सचमुच मुझे यकीन नहीं होता कि आप समझते हैं कि यीशु में आप कौन है, और बहुत सी चीजें हमसे छूट रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आप मकसद के साथ जानकर आदतन पाप करते। मैंने कहा आप इसे मकसद के साथ जानकर नहीं करते, आदतन पाप। परमेश्वर आपका दिल देखता है। शायद आप ये समझने लगे कि मेरा दिमाग फिर गया है, मेरी हर कही बात के लिए वचन है। मुझे सचमुच लगता है कि कैसे हमें डर है उस तरह की आजादी का प्रचार से, और जैसे आजाद ख्याल रवैये का प्रचार आज कर रही हूं, हम ये तक सोचते हैं खैर वैसा रवैया कहीं गलत तो नहीं होगा, कुछ गलत तो नहीं हो, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। नहीं, क्योंकि असली मुद्दा है कि आपके पास नया दिल है और आप वैसा नहीं करना चाहते। अगर आप पाप करने की वजह खोजते तो आप इस जगह पर क्यों होते? मैं आपसे ऐसे बात क्यों करूं मानो पाप करने की जगह चाहते हो, और डरा कर आपको क्यों रखूं? आप पाप मत कीजिएगा, आप पाप मत कीजिएगा।
वचन 3, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उनकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अब इसका मतलब यह है कि हमें यीशु की पहचान बनना भी सीखना होगा। और मैं नहीं जानती कि विश्वास आपको होगा, पर जरूर कहूंगी कि अगर कभी आपने विश्वास भी किया, आपका वचन कठिन बीतेगा, पर पवित्र पुस्तक हमें सिखाती है कि यीशु हमारे पर्याय थे और हम उनके जुड़े वंशज हैं, और सब कुछ जो पाने के लिए सहा, हर जीत जो हमारे लिए जीती, तो पापों को क्रूस पर ले गए और वहीं पर जान दे दी। उस पल पाप ने शक्ति खो दी थी उस पर से जो मसीह यीशु में विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर ने देखा उस दिन क्रूस पर यीशु ने हर व्यक्ति को जो उसके पुत्र में विश्वास रखता है और उसके उद्धार के लिए भरोसा रखता है, आत्मा से उसके मरने पर हर उसमें थे, हम उसमें थे, मृत्यु से जब वो उठे तब भी हम उनमें थे। पवित्र पुस्तक के अनुसार हम यीशु में स्वर्गीय स्थल में बैठे हुए हैं, भले ही हम आज यहीं खड़े क्यों न हो, हम उनमें भी हैं, मगर यीशु आप कौन है ये नहीं जानते। फिर बपतिस्मा लेने के बाद भी आप ये नहीं जान पाएंगे। उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते कि हमने जब बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मैं पुराने तरीकों के लिए मर गया, मैं नए जीवन के लिए फिर से जी उठा। मैं बस कोई पवित्र स्थान में डूबा नहीं, या कोई रीति नहीं कि हमें गुजरना है, वैसा करना ही पड़ेगा। बपतिस्मा का अर्थ बहुत सुंदर अर्थ है, ये भीतरी निर्णय का बाहरी संकेत है जिसे आपके द्वारा किया गया है, परमेश्वर भी जानते हैं, पर आपने वास्तव में दुष्ट आत्माओं के साथ ही पूरे आत्मिक जगत के लिए घोषणा की है। जरा इसे देखिए, तुम्हारे लिए मर गया, तुम्हारे जीने के तरीके से शैतान और मसीह यीशु के जरिए एक नया जीवन। अरे नहीं, अगर हम जान पाते कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया और हम उनके कौन हैं। अब सुनिए, पापी हैं, पर विश्वास नहीं कि हमारी पहचान है पापी। और मुझे ढेर सारे लोग मिले जो इस पर बहस करते रहते हैं, पर मैं मानती हूं कि मैं बाहर जाकर इसे फिर दोहराऊंगी। एक फर्क है कि आप किस में हैं और क्या करते हैं। मेरे बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, उनकी हर बात मुझे पसंद नहीं आती, पर फिर भी वो मेरे ही बच्चे हैं। सच तो ये है, मैं नहीं चाहता आप आकर बताएं कि उन्होंने कैसी बुरी हरकत की है, क्योंकि वो आपका काम नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनका ध्यान रखूंगा। मेरा मतलब, इंसान होकर जब हमारा रवैया ऐसा है तो परमेश्वर का कैसा होगा। जरा ये सोचिए, जब शैतान भाइयों पर दोष मढ़ने वाला परमेश्वर के सामने हम पर दोष दे। लेकिन तब क्या करेंगे जब शैतान आकर आपको याद दिलाएगा कि आपकी गलती क्या है, फिर दोष के बोझ को आप पर लादना चाहे। आपको कहना चाहिए इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं किसी और का हूं, मैं परमेश्वर का हूं और उनकी समस्या हूं और उनकी फिक्र हूं। मैं परमेश्वर का हूं और उनकी समस्या हूं और उनकी फिक्र हूं, और वो मेरी देखभाल करेंगे। आप ऐसा करना सीखें तब तक आज यहां से निकलने पर कोई खुश जरूर होगा। मैं कुछ बताना चाहूंगी, मैं कई वर्षों तक लड़ती रही आपसे आज जो बांट रही हूं उसे जानने के लिए वर्षों तक अभ्यास किया है, और उसका बोध होने की भूख में जागी हूं कि आप समझ जाएं। तब तो मुझे कुछ हासिल हो गया, वैसा होना तो कठिन है क्योंकि वहां शैतान बैठा हुआ कह रहा है, मजाक कर रहे हो ना, कुछ भी इतना अच्छा नहीं होगा, तुम्हें लगता है आप घूमते हुए जाए जो करो और फिर माफी मांग ले तो बात वही खत्म हो जाएगी।
हमें समझना चाहिए, दिल का परमेश्वर है तो दिल देखता ही है। आज मैं आपकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर आप संजीदा हैं, सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं और यीशु को ही उम्मीद समझते और परमेश्वर को खुश रख के जीना चाहते हैं, वरना आप यहां नहीं होते। एक सुस्त जिंदगी जीने का बहाना खोजने वाले लोग शुक्रवार की सुबह को ऐसी सभा में आने के लिए छुट्टी नहीं लेते। अब ऐसा हरगिज नहीं करते। अब वहां कुछ लोग हूँ जानते हैं, चैनल बदलने वाले, जो गलती से इस पर आ गए, कार्यक्रम चलाया और देखना चाहते हैं, मैं सनक गई हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा ही सोचेंगे। मैं नहीं जानती कि आप कहाँ पर हैं, इस पर इतना जरूरी नहीं है। अगर परमेश्वर से प्रेम है, अगर यीशु को आपने उद्धारकर्ता माना है, अगर यीशु ने आपको जीवन के लिए जान दी, वो जीवन जीना चाहते हैं, तब आप वैसा नहीं करेंगे। अगर आप दोष के बोझ और निंदा से हर वक्त दबे हुए रहेंगे, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है जिसे परमेश्वर यीशु के लहू से ठीक नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। शर्त लगाती हूँ कि इस जगह लोग आज हैं और शायद उससे भी ज्यादा लोग टीवी पर देख रहे हैं। आप दोषी महसूस करते हैं, जैसे आपके बच्चे, और आपको यकीन है कि गलती आपकी है। खैर, मैं आपको कुछ बताऊं, भले आपने सब कुछ ठीक नहीं किया, आपने कुछ गलतियां की और माँ बाप की तरह बेहतर कर सकते थे, जानते हैं क्या, आपके बच्चे चाहे तो सुधर सकते हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे सही नहीं पाला, मेरा बचपन एक बुरा सपना था, पर जब मैं बड़ी हुई और प्रभु को अपनाया, उन्होंने मेरा जीवन फिर से बनाया और मेरी मुसीबतों के बदले मुझे दोगुना लाभ दिया। मेरा अपना एक बेटा, जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं उनके लिए भी भयानक थी, अब की जानकारी तब नहीं थी और मेलजोल नहीं था, बहुत चिल्लाती थी, डांटती थी, मतलब मैं उन्हें पीटती नहीं थी, बुरा व्यवहार नहीं था, लेकिन मेरा वाव 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 ऐसा व्यवहार था। मेरा एक बड़ा बेटा एक दिन बोझ लाद रहा था और मैं उसे सुधारने जा रही थी, तब उसने कहा, खैर आपने जैसा व्यवहार मेरे साथ किया, अगर नहीं करती तो मैं जैसा हूं वैसा नहीं होता। ओ भाई, कई दिनों तक बुरा लगा। ओ परमेश्वर, मेरे दिल से कहा, जानती हो क्या, उसे जाकर कहो कि उसे भी तुम्हारी तरह मौका मिला है, तुमने शायद सब कुछ 100% सही नहीं किया, पर वो भी तुम्हारी ही तरह परमेश्वर के वचन से सुधर सकता है। और वास्तव में उसकी समस्या उतनी खराब नहीं थी जितनी शुरुआत में थी, लेकिन किसी तरह, जानते, काश आज की जानकारी तब होती, काश अब की जानकारी तब मेरे पास होती, काश मैंने किया उससे भी कुछ अच्छा कर सकती, लेकिन जानते हैं क्या, मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा में हैं, उन्हें परमेश्वर से प्रेम है, आपस में हमारा मेल जोल है, हम साथ में समय बिताते हैं। और मेरे बच्चे हर वक्त मुझे चिढ़ाते हैं, छोटा वाला अगर कुछ ऐसा करे जो मुझे पसंद नहीं आया तो हमेशा कहेगा आपके बात समझ जाऊंगा, और हर बार कुछ ऐसा करे जो मुझे अच्छा लगे, मैं कहती हूं ये भी मेरे बाद ही तुम्हें समझा। मेरा बड़ा बेटा हमेशा मुझे चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ अगर बचपन में आपने मुझसे बुरा व्यवहार नहीं किया होता तब आज तो मुझे ये समस्या नहीं होती, तो अब हमने उसे बड़ा मजाक बना लिया है, पर कहना ये चाहती हूँ कि शायद आप अच्छे माँ बाप नहीं रहे, पर मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप पर अच्छा व्यवहार नहीं हुआ तो संभव है आपने उसमें से कुछ किसी को दिया हो, पर ईश्वर की सेवा करने वाली हर पीढ़ी में उसके प्रचार होने की संभावना घटती जाती है। जानते हैं, उनमें विश्वास रखे तो ऐसा कुछ नहीं जो वो ठीक नहीं कर सकते। इसे मैं और साफ करती हूं, आपका किया हुआ कोई गलत काम भी परमेश्वर ठीक कर देंगे। वो चाहते हैं आप आज ये समझ लें, अभी देर नहीं हुई है, आपने ज्यादा गलतियां नहीं की हैं। उनमें विश्वास रखे तो ऐसा कुछ नहीं जो वो ठीक नहीं कर सकते। आज हम आपको कुछ शिक्षा दे रहे हैं और ये आवश्यक है कि आप परमेश्वर के वचन को अहमियत दे, उसे समझे, उसे रोज पढ़ते रहे और सुना करें। वचनों को कोई और आपको देगा इस पर भरोसा मत रखें, लेकिन खुद अभ्यास करें।
जॉयस्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।